नमः श्री सरस्वते नमः श्री परमात्मने नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा श्री राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिराम मरण रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथ कारुण्य रूपम करुणा करंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम मनोजवं मारद तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोर्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आज कथा की प्रथम दिवस की वेला में हम आप प्रवेश करें इसके पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। चूंकि कथा में आज भगवान शिव के विवाह का पावन प्रसंग है इसलिए कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें, शिव जी को मनाएं। सब ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः
शिवाय हरिओ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरिओ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरिओ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने श्री राघव मेरे स्वामी हैं मैं राघव जुगोदा जन्म जन्म मुहि दीजियो श्री अवधपुरी को बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकीन हो जगकार कलि समुद्र बूढ़त लखेऊ प्रगटेऊ सत राम मैं सब जग जानी कर प्रणाम जोरी जोग पानी श्री सीताराम जी महाराज की जय बाल कृष्ण लाल की जय शंकर भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय सत्य सनातन धर्म के जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय जय श्री सीताराम अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरणालय आनंद कंद सच्चिदानंद घंद श्री रामचंद्र के चरणों में साष्टांग दंडवत शिव जी हनुमान जी महाराज को बारंबार वंदन बाबा के चरणों में बारंबार वंदन उपस्थित श्रेष्ठ महाभाग सुधीर श्रोतागण माताओं भाइयों एवं बहनों इस गोरखपुर नगरी में विगत 10 वर्षों से परमात्मा श्री राम की कथा का दिव्य आयोजन करा रहे आप सभी दिव्य नगरवासी श्री राम कथा सेवा समिति मैं जिनको जानता हूँ उनका नाम ले रहा हूँ जिनको नहीं जानता हूँ बुरा ना माने क्योंकि मैं उनको जानता ही नहीं आपके और हमारे बीच के जो माध्यम आदरणीय श्री धान प्रकाश तिवारी जी जो इस समिति के अध्यक्ष भी हैं हीरालाल यादव जी जहाँ पर हम रुके हैं मिश्रा जी पांडे जी मौर्य जी इन्हीं 5 लोगों से अभी तक मेरी भेंट हुई है इसलिए ये सभी अब जिन जिन से भेंट होती जाएगी उनका स्मरण हम व्यासपीठ से करते ही जाएंगे आप सभी विगत 10 वर्षों से राम कथा सुन रहे हैं इसलिए परमात्मा श्री राम की दिव्य कथा का क्या फल है ये कथा क्या करती है ये कथा
किस प्रकार जीवन को संहारती है आप सब जानते हैं। विगत 10 वर्षों से सुन रहे एकादशी के लिए मुझको भेजा गया, 11वां वर्ष है ना, हो एकादशी हमारे द्वारा सुनी जा रही है। मैंने पूछा था ध्यान प्रकाश भैया जी से, कहे महाराज जी अभी तक तो कांडों में कथा होती आई, पहले दिन हम आप बैठे हैं, पहले दिन का पहला निवेदन मैं आपसे कर दूं, मैं कोई ज्ञानी नहीं, मैं कोई मर्मज्ञ नहीं, मैं हूं क्या, मैं अपने सतगुरुदेव की कृपा से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से और कारण करुणा वर्णालय की कृपा से इस दिव्य ग्रंथ की बड़ी महती कृपा से केवल इसका गायक हूँ। ना ज्ञान की बात हमको आती है, ना ज्ञानी मुझको बनना है। क्यों? उत्तरकांड पिछले वर्ष आप लोगों ने सुना होगा, पिछले बार उत्तरकांड था ना, ज्ञान दीपक का उपदेश चाहा है गरुण जी ने काग भुसुंडे जी से। महाराज ज्ञान दीपक के बारे में बताइए, ज्ञान के पंथ कृपण के धारा परत खगेश न लावत बारा। ज्ञान का पंथ कैसा? तलवार की धार। जो व्यक्ति चलेगा पार पाए नहीं सक सकता, तलवार में कोई जीव चल सकता क्या? असंभव, चल ही नहीं सकता। इसलिए कहा महाराज ज्ञानी होने से कोई लाभ नहीं, आप तो भक्ति करो, राम भक्ति मणि का सुंदर उपदेश काग भुसुंडे जी ने गरुण जी को किया। आप सभी 10 वर्षों से कथा सुनते आ रहे, मैं आपको निवेदन पहला कर दूं कि हम आप 9 दिन तक जिस ग्रंथ के आश्रय में कथा को सुनेंगे, हम कहेंगे आप सुनेंगे, आप गाएंगे हम सुनेंगे, ऐसे दिव्य ग्रंथ का नाम है रामचरित मानस। वाल्मीकि की चर्चा नहीं करते, रामायण तो रामायण सतकोटि अपार, अन्य ग्रंथों की चर्चा हम नहीं करते, क्योंकि इसी ग्रंथ का पार तो क्या एक चौपाई का मर्म अभी तक हम नहीं जान पाए, तो अन्य ग्रंथों के लिए मेरे पास समय भी नहीं। और यही ग्रंथ इतना छऊ शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, यही सार है सभी पुराणों का, सभी वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का। आगम माने पुराण, निगम माने वेद, यही सार तत्व है। अब आप मुझको बताएं रामचरितमानस में कितने कांड हैं? हाँ भाई देखिए, हम आपसे पूछ पूछ कर कथा सुनाते जाएंगे और आपसे बीच बीच में पूछते भी जाएंगे, तो आप बताइए कितने कांड हैं? हैं? 4, 7। 7 कांड बाबा ने लिखे, बाल कांड से प्रारंभ किया, बाल कांड, अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर, फिर युद्ध लंका कांड और उत्तर कांड पर इसको समाप्त किया। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम से वा अक्षर से प्रारंभ है, दहयंती नो मानवा पर इसका विश्राम है, वा से प्रारंभ, वा पर ही पूर्णाहुति, इसलिए महाग्रंथ। चूंकि आज मुझे आपको भगवान शिव की पावन कथा सुनानी है, वंदनाओं का क्रम बड़ा विशाल है, गोस्वामी जी सर्वप्रथम गुरु वंदना करते, ब्राह्मण वंदना करते, खल वंदना करते, संत वंदना करते,
तीर्थराज प्रयाग के रूप में चलते फिरते संतों का वंदन करते, कविता की दीनता का उल्लेख किया है, राम नाम का वंदन किया, धाम परिकर वंदना की है, अपनी दीनता का उल्लेख किया है। गोस्वामी जी कहते ये कथा मिली कहाँ से, प्रथम ही मैं निज गुरु सन सुनी कथा जो सूकर खेत, समुझ नहीं तसी बालपन तब अति रहूं अचेत, मैं समझ नहीं पाया जदपि गुरु कहीं बार ही बारा, समझ परी कछु मति अनुसारा, जो मेरे मति के अनुसार इस दिमाग में फिट हुआ वही मैंने भाषा में बद्ध कर दिया। राम कथा के चार घाट हैं, पहला घाट शरणागति, पूज्यपाद गोस्वामी जी गंगा मैया के पावन तट काशी पर गंगा मैया निज मन उपस्थित संतों को कथा सुनाते, हम आप भी उसमें सम्मिलित होते। दूसरा घाट है कर्मकांड घाट, क्षेत्र है तीर्थराज प्रयाग, वक्ता हैं ऋषि श्रेष्ठ याज्ञवल्क जी, श्रोता हैं भरद्वाज मुनि। तीसरा घाट ज्ञान घाट, स्थान कैलाश का उच्च शिखर, भूत भावन भगवान शिव वहां के वक्ता, माता पार्वती श्रोता। और चौथा घाट है भक्ति घाट, क्षेत्र नीलगिरी का है, वक्ता चांडाल पक्षी कौआ महाराज श्री काग भुसुंडी जी, श्रोता गरुण जी और पक्षियों का झुंड समूह। चारों घाट के वक्ताओं ने कथा की महिमा को गाया, श्रोता ने सुना और हमारे परम पूज्य महाराज श्री ने अपने कथा के जीवन के अनुभव से उसको कुछ इस प्रकार कह दिया है। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय जीवन मूर सुहाई, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन, बुद्ध विश्राम सकल गुण रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा।
विश विशाला राम कथा काली का करारा महामोह महिषेश विशाला राम कथा काली का करारा राम कथा शशि किरण समाना संचकोर करई देहि पाना राम कथा शशि किरण समाना संचकोर जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय
ये कथा देव दुर्लभ कथा, पर हमको आपको सुलभ हुई। क्यों? कथा का प्रारंभ है भरद्वाज मुनि का परिचय। भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। ऋषि श्रेष्ठ भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग में वास करते, राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम। राग की विशेष अवस्था को अनुराग कहा गया। जीवन में यदि राग है तो दोष है, लेकिन जीवन में अनुराग है तो गुण है। अंतर सिर्फ इतना है, राग है तो दोष और अनुराग है तो गुण। महाराज इंद्रिय जीत ग्रह त्यागी तीर्थराज प्रयाग में वास करते और केवल भगवान श्री रघुनाथ जी का नित्य प्रति यजन करते, जपन करते। जब माघ के महीने में भगवान सूर्य मकर राशि पर आते, तब तीर्थराज प्रयाग में सिद्ध जनों का, तपस्वियों का, मुनियों का, साधकों का जमावड़ा लगता, और जमावड़ा एक दो दिन के लिए नहीं, एक माह के लिए लगता। एक माह तक तपस्वी रहते, मुनि रहते, सिद्ध रहते, भगत रहते। अभी लगने वाला है अर्धकुंभ, अवश्य दर्शन करने जाना चाहिए। सभी असुर देव सभी उस सुख के अवसर पर प्रयागराज की पावन भूमि पर उपस्थित होते और तीर्थराज प्रयाग की सेवा करते। त्रेता में भी लगा, द्वापर में भी लगा, कलयुग में भी लग रहा, सतयुग में भी लगता था। जब वो माघ का मेला पूर्ण हुआ, तब सब साधक सिद्ध मुनि अपने अपने आश्रमों को जाने लगे, घर को जाने लगे। याज्ञवल्क्य मुनि भी आए थे उसी क्रम में। परिचय बड़ा दिव्य है याज्ञवल्क्य मुनि जी का। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, जाते देखा। महाराज भरद्वाज जी कहे, प्रभु आप कुछ दिन रुकिए, अभी जाइए नहीं। आश्रम को लेकर आए, चरण सरोज को बखार कर सुंदर आसन दिया, हाथ जोड़ लिए, कहा प्रभु मेरे मन में एक बड़ा संशय। यद्यपि वो संशय मेरे लिए तो बड़ा, लेकिन आपके लिए छोटा। क्यों? सारे वेद के तत्व आपके हस्तामलक, परंतु प्रभु कहने में बड़ा भय भी लग रहा, लाज भी आ रही। भय इसलिए कहीं आप ये न समझ लें कि ये मेरा कोई परीक्षण कर रहा। लाज इसलिए कि इतने दिन तीर्थराज प्रयाग में वास हो गया, अभी तक भगवान की प्रभुता को जान नहीं पाया। हे प्रभु, ऐसा जानकर मैं अपना नेह आपके सामने प्रकट करता हूँ। फिर संतों ने ऐसी नीति बताई, मुनि पुराणों ने भी ऐसा कहा है,
जो जीवा अपने गुरु और अपने श्रेष्ठ से दुराव करे उसको निर्मल विवेक प्राप्त नहीं हो सकता। महाराज मैंने राम नाम का अमित प्रभाव सुना, शेष शारदा वेद पुराण गाते, ये राम जी हैं कौन? यद्यपि महाराज एक राम जी को मैं भी जानता, ये वही राम जी है ना जो अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हुए, नारी का अपहरण उनकी प्रिया का भार्या का अपहरण रावण ने किया, युद्ध क्षेत्र में क्रोध आया, रावण को गति प्रदान किया, ये वही है क्या? मुझको कह के समझा कर बताइए, मैं जानना चाहता हूँ ये है कौन, बोल पड़े। राम कवन प्रभु छऊं तो ही, राम कवन प्रभु छऊं तो ही, कहिया बुझाए कृपा चाहता। ये राम जी कौन कौन है ये राम? जागवलिक सुनते रहे, मुस्कुरा कर कहा, मैं आपकी चतुरता को मुनि श्रेष्ठ समझ गया, आप मुझसे श्री रघुनाथ जी के दिव्य गूढ़ चरित्र को सुनना चाहते हैं, इसलिए मेरे सन्मुख ऐसा व्यवहार किया, ऐसे प्रश्न पूछे जैसे आपको कुछ आता ही नहीं, लेकिन मैं आप पर अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं जानता हूं आप श्री रघुनाथ जी के मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से भगत हैं, आपकी श्रेष्ठ भक्ति को देखते हुए मैं आपको श्री रघुनाथ जी की कथा को अवश्य सुनाऊंगा, चित्त को स्थिर कर सुनिएगा। याज्ञवल्क ऋषि ने कथा की महिमा को सुनाया है, मैंने आपको पहले ही सुनाया, महामोह महिशेष विशाला राम कथा का लिका कराला, मोह रूपी महिषासुर का मर्दन करने के लिए साक्षात मां कालिका है राम कथा। ऋषि श्रेष्ठ याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को त्रेता युग की ओर ले गए हैं, और ध्यान रखिएगा भरद्वाज जी ने पूछा है राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, जैसे आपने मुझे राम कथा सुनाने के लिए बुलाया और मैं आपको राम कथा की जगह भागवत सुनाने लगूं तब बनेगा काम? नहीं बनेगा ना। लेकिन याज्ञवल्क ऋषि से भरद्वाज जी ने पूछा राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, राम कथा सुनना चाहते महाराज हम, लेकिन याज्ञवल्क ऋषि ने भरद्वाज जी को राम कथा के पहले शिव कथा सुना दी। क्यों? शिव कथा शिव चरित्र राम भक्ति की प्रवेश का है। ले चले हैं याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज जी को त्रेता युग की ओर, हम आप भी चले। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुम्भ भजरी सिपाही,
कथा मुनि राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मानी एक बार त्रेता युग में भूत भावन भगवान शिव कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि अगस्त मुनि के आश्रम पधारे। कहां? दक्षिण प्रदेश गोदावरी गंगा के निकट, साथ में जगत जननी मां सती भी हैं। अगस्त ऋषि ने देखा सारे संसार के ईश्वर आज मेरे आश्रम पर पधारे, पूजन किया। कहा, प्रभु ऐसी कृपा आज इस दास पर कारण? भगवान शिव बोले, मुनि श्रेष्ठ हम राम कथा सुनने आए। राम कथा? हाँ, मुझसे? हाँ। भगवान शिव के बार बार निवेदन करने पर ऋषि श्रेष्ठ ने भगवान शिव को कथा सुनाना प्रारंभ किया। कहा, नहीं ऐसे नहीं, आप वक्ता हैं, आप ऊपर आइए, हम श्रोता हैं, हम नीचे बैठेंगे। ये मर्यादा है व्यासाय विष्णु रूपाय। कथा प्रारंभ हुई। कथा कहते सुनते कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरी नाथा। कुछ दिन रहे। जब कथा पूरी हुई, ध्यान रखिएगा, कथा केवल बाबा शिव ने सुनी, सती माता ने सुनी नहीं। कहते सुनते जब 9 दिन बीत गए, तब मुनि जी से आज्ञा मांगी है भगवान शिव ने और कहा, हम आपको कथा की दक्षिणा क्या दें? देखिए, कथा सुनने के बाद दक्षिणा तो अवश्य देनी चाहिए, अवश्य। और बुरा ना लगाइएगा, आज का समय इतना विकट है कि दक्षिणा देवे में आदमी रोने लगा है। शादी में डीजे में 1 लाख रुपया खर्च करते हैं और जो पंडित जी वेद मंत्र पढ़कर उस विवाह का संपन्न करा रहे हैं उनका 3000 रुपया देने में 30 बार सोचते हैं। उन्हीं ने वो विवाह कराया, अगर वो वेद मंत्र उल्टा पढ़ दे तब? डीजे से थोड़ी विवाह हुआ है, वेदों के सानिध्य में वर और कन्या ने वचन लिए हैं, उन वचनों का पाठ उस उपरोहित ने किया है और हम आप उसी उपरोहित का। महाराज चनक कम कर लियो थोड़ा सा, आदत अच्छी नहीं। और तो छोड़िए, सत्यनारायण की कथा का स्टैंडर्ड अभी भी 50 रुपया का है। महाराज 50 रुपया पाते हैं, सेब केला अंगूर संतरा ऊपर से पा लेते हैं। देखो,
ब्राह्मणों का सम्मान ना हो सके कोई बात तो नहीं, कोई बात तो नहीं, पर जीवन में कभी ब्राह्मणों का अपमान ना हो जाए। सम्मान नहीं कर सकते कोई विशेष बात नहीं, नहीं हो रहा कोई, क्या क्या टेंशन है। हाँ अपमान कर दिया बड़ी दिक्कत, और ब्राह्मणों से सेवा नहीं लेनी चाहिए। अब आप ये लोग ये ना समझिएगा कि हम ब्राह्मण इसलिए अपना उल्लेख कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं ना ब्राह्मण मानता हूं, ना क्षत्रिय, ना शूद्र, ना वैश्य। हम कर्म को श्रेष्ठ मानने वाले जीव हैं। राम कथा की दक्षिणा में मुनि श्रेष्ठ या भरत, समा करिएगा, अगस्त ऋषि जी ने बाबा शिव से राम भक्ति मांगी। राम भगत के श्रेष्ठ अधिकारी हैं ऐसा जानकर भूत भवन भगवान शिव ने राम भक्ति प्रदान की। शिव जी अब आगे चले, शिव जी विचार कर रहे हैं कि जिन भगवान की मैंने पावन कथा सुनी, यदि उनका दर्शन मिल जाता तो कितना बढ़िया होता। लेकिन परमात्मा श्री राम गुप्त रूप से इस धराधाम में अवतरित हुए, यदि समीप जाऊंगा तो सब पहचान जाएंगे, भगवान अपने मर्म को छिपाना चाहते ठीक नहीं। ठीक उसी समय दंडकारण्य की लीला को मेरे राघव जी संपन्न कर रहे थे। मारीच ने माया के मृग का कपट वेश बनाया है, भगवान पीछे पीछे गए हैं। रावण ने मेरी माँ का हरण किया है। उसी समय शिव जी को मेरे प्रभु का दर्शन हुआ। शिव जी ने हाथ जोड़ लिए, भगवान को देखते ही हृदय में आनंद आ गया। आए हाय 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 मेरे प्रभु। बार बार भगवान का दर्शन करते, नेत्रों में छवि को छुपाते, तन पुलकित होता, नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रभावित होते। शिव जी ने कहा है, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चलेव मनोज नसावन, अस कहि चलेउ मनोज नसावन। जय सच्चिदानंद, जय राम जी। शिव जी ने देखा माँ सती की ओर, सती ने देखा शिव जी की ओर, बाबा की ऐसी दशा, अरे ये कौन है, इनका दर्शन करने से आज शिव जी के मन में इतना प्रेम उत्पन्न हुआ कि ये प्रीति तो रोके रुकाए नहीं रुकती। ऐसा प्रेम मैंने आज तक बाबा का नहीं देखा। प्रेम तो ठीक, इन्होंने राजा के पुत्र को प्रणाम किया। शंकर जी जो जगदबंद हैं, जगदीश हैं, देवता नर मुनि किन्नर सब इनको प्रणाम करते। आज ये राजपुत्र को प्रणाम करते, राजपुत्र को प्रणाम तो करते वो तो ठीक ही था, लेकिन सच्चिदानंद घन आनंद घन कहा, परधाम के स्वामी आपकी जय हो ऐसा कहा, ये कौन है। जिस प्रकार विष्णु देवताओं के हित के लिए शरीर धारण करते अबाध गति है, ठीक उसी प्रकार तो शिवजी हैं। यदि ये विष्णु हैं
तो क्या अपनी स्त्री को इस प्रकार खोजते? लेकिन भगवान शिव की बात मृषा नहीं हो सकती। मां को संशय आया। शिव जी ने कहा, देवी क्या बात है? कहा, बाबा आपने इनको प्रणाम किया, ये कौन? शिव जी ने कहा, देवी जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने मुझे सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने कुंभज ऋषि को प्रदान की, वही मेरे स्वामी रघुनाथ जी हैं, प्रणाम करिए। सती माँ ने कहा, यदि ये भगवान हैं, यही सब कुछ हैं, तो क्या ऐसे अपनी स्त्री को ढूंढेंगे, ऐसे रोएंगे? फिर समझाया, नहीं माँ। बाबा ने कहा, देवी मुनि तपस्वी धीर महापुरुष विमल मन से जिनका ध्यान करते हैं, अरे इतने में ही नहीं, इतने में ही नहीं, इतने में ही नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कह करके वेद पुराण भी हार जाते, पर इनका पार नहीं पा पाते। जो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सारी माया के स्वयं साक्षात पति हैं, ऐसे मेरे स्वामी अपने निज तंत्र के साथ धरती के भार को हरने के लिए, अपने प्रेमियों को प्रेम प्रदान करने के लिए अवतरित हुए। देवी प्रणाम करिए। सती माता ने कहा, अच्छा हम नहीं मानते। दुनिया भर के तर्क दिए। अब ये बताइए, माताएं आप लोग हैं, जिसको आपके पति महोदय प्रणाम करेंगे, आपका क्या धर्म है उसको प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि पर्स को लिए ऐसे खड़ा रहना चाहिए? हैं भाई, पति ने प्रणाम किया, श्रेष्ठ ने प्रणाम किया, धर्म क्या है? हमको भी प्रणाम करना है, यही धर्म है ना। शिव जी हार गए तो कहे, देवी एक काम करिए, जो आपके मन में इतना ही संदेह है, तो क्यों नहीं जाकर परीक्षा ले लेती हैं? इतना सुनना माँ बोली, ठीक है, परीक्षा ही ठीक रहेगा। शिव जी ने कहा, देवी परीक्षण तो करिएगा, लेकिन बुद्धि के स्तर पे करिएगा, कोई अनैतिक कार्य न कर जाइएगा। जब तक आप परीक्षण लेकर आएंगी, तब तक मैं इस वट के वृक्ष के नीचे बैठकर आपका इंतजार करूंगा, आपकी प्रतीक्षा करूंगा। सती माँ गई हैं। इधर शिव जी ने जाना कि अब होना वही है जो राम जी ने रच रखा है। कौन अपना तर्क बढ़ाकर बात करके उनकी लीला संवर्धन में हस्ताक्षेप करे? ऐसा जानकर बाबा ने जोली उठाई और अपना राम राम जपन लगे। इधर माँ सोचने लगी, करूं क्या? कहा, अपने क्यों नहीं मैं इनकी स्त्री का रूप बना लेती। देखो, एक होता है स्वरूप, एक होता है रूप। रूप किसी भी व्यक्ति का बनाया जा सकता है, स्वरूप नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो उसका स्वयं का रूप है। उसके जैसे वस्त्र पहने जा सकते, अंगूठी पहने जा सकती, चेन पहनी जा सकती, घड़ी पहनी जा सकती, कंघी की जा सकती, पर उसके मुखमंडल को नहीं प्राप्त किया जा सकता, वो उसका स्वयं का है। माँ सोच तो रही हैं कि मैं सियाजू जैसी हो गई, लेकिन माँ सिया का स्वरूप बना ही नहीं पाई। वस्त्र वैसे पहने, अलंकार वैसे किए, लेकिन रूप तो सती माँ का। उस पथ की ओर आगे बढ़कर चल पड़ी माँ, जिस पथ से श्री रघुनाथ जी जा रहे। लक्ष्मण जी ने देखा सती माता के इस वेश को, चकित हुए, क्या कर रही हैं ये? पर कुछ कह ना सके भय के मारे। मेरे भगवान ने जैसे ही देखा ना, अब ये सोच रही थी कि ये देखेंगे तो दौड़ पड़ेंगे, लेकिन ठाकुर तो मायापति हैं, इनका कहां माया व्याप्ति है? मेरे भगवान ने लीला कर दी है,
जोरी पानी प्रभु इन्हीं प्रणाम जोरी पानी प्रभु इन्हीं प्रणाम पिता समेत विनली जनाम पिता समेत भगवान ने कहा, देवी अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम आपको प्रणाम करता। और बाबा कहाँ गए इस भीषण कठिन घनघोर जंगल में? आप अकेले यूं किस हेतु विचरण कर रहे हैं? अरे माँ ने इतना सुना, भागी माँ भागी। आगे देखती हैं राम जी अपने आसन पर आसीन शिव ब्रह्मा विष्णु इंद्र देव दिक्पाल संत मुनि सभी अपने अर्धांगनियों के साथ मेरे राम जी का सेवन कर रहे, यजन कर रहे। आगे वही दृश्य, पीछे वही दृश्य, दाएं वही दृश्य, बाएं वही दृश्य। माँ घबरा गई, आंख को मूंद कर बैठ गई। ध्यान रखिए, भगवान के ऊपर संशय कब होता है? जब हम जीवन में सत्संग को प्राप्त नहीं करते। यदि जीवन में सत्संग मिला होता तो सत्संग का ये फल होता कि राम जी के प्रति, कृष्ण के प्रति, देवी माँ के प्रति, जो भी आपके इष्ट हैं उनके प्रति आपका विश्वास निश्चित ही दृढ़ होता। लेकिन यदि सत्संग जीवन में नहीं मिला, अरे साहब, जिंदगी बेकार चली गई। इसलिए सत्संग जब मिले तो ऐसे अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। आज मैं कक्ष में था, वो देख रहा था शोभा यात्रा, सुन रहा था। कितना उत्साह है आप लोगों का। जो लोग इस कठोर कलिकाल में सब काम छोड़कर आपको कथा सुनाने में लगे, वो जीव कितने भाग्यशाली, कितना उत्साह। लोग तो कहां से आफत आ गई, अब बताइए। 8 बजे सवेरे कोई कलश यात्रा का समय होता है, फिर कथा भी सुनवाते हैं जबरदस्ती। ये जो कथा करवा रहे हैं आप सभी लोग, जो भी हैं जिन लगे हैं इस पे, उनके लिए ये व्यासपीठ बार बार साधुवाद का प्रकट करती है कि इतने कठोर कलिकाल में आप भगवान की पावन कथा को सुनवा रहे और जीव को सत्संग में लगा रहे, सारी भगवान की कथा में बजा रहे। आपको मिला तो आप सुन रहे, सत्संग अवश्य किया करो, अवश्य किया करो।
क्यों? ये सत्संग क्या करता जानता? सुनिए, जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया उसके पापों का पर्वत भी गल गया। उसके रोम रोम बसे गोविंद है उसके रोम रोम बसे सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसके घट जाए चौरासी बंद हैं उसके घट जाए उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। उससे मिलता यहाँ परमानंद है उससे मिलता यहाँ परमानंद आनंद है उसे हर घड़ी आनंद।
अनंत स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। जिसको स्वर्ग नहीं जाना, जिसको मुक्ति नहीं चाहिए, क्यों? यही तो स्वर्ग है। अब इससे अच्छा स्वर्ग और कहाँ होगा? मटर पनीर खाने मिला, चाय पीने मिल रही, कॉफी पीने मिल रही, घूमने मिल रहा, पिक्चर देखने मिल रहा, क्रिकेट खेलने मिल रहा, सोने मिल रहा, व्हाट्सएप फेसबुक चलाने मिल रहा, अब इससे ज्यादा सुख कहीं और मिल सकता है का? यही तो स्वर्ग है। जिसको स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं, जिसको मुक्ति पाने की इच्छा नहीं, उसी को इस धराधाम में आनंद मिलता, नहीं तो नहीं मिल सकता। सती मां बड़ी घबराई, आंखों को मूंद लिया, मां बैठ गई, कुछ क्षण के बाद उठी हैं, दृश्य अदृश्य हो गए, गई हैं बाबा के पास। बाबा मुस्कुराए, कुशल पूछी, देवी कैसी हैं? और पूछा है, परीक्षा किस प्रकार ली? लीन ही परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। बाबा ये जानना चाहते हैं, परीक्षा किस प्रकार ले ली, विधि का उल्लेख करिए। इसका मतलब बाबा ये जान गए कि परीक्षा तो ली ही है। जैसे मैं रामशरण भैया से कहूं, बैंजो कैसे बजाया जाता है? ये कहें हमने बजाया नहीं, कभी बजाया ही नहीं। अरे जब मैं इनसे पूछ रहा हूं कि बैंजो कैसे बजाया जाता है, इसका मतलब मैं ये जान रहा हूं कि ये बैंजो बजाते हैं, तभी ना पूछ रहा हूं। बाबा जानना चाहते, देवी परीक्षा की विधि बताइए। सती माता बताना तो सत्य चाहती थी बाबा को, लेकिन जिस माया का वेश बनाया है मेरी माँ ने, वही माया बुद्धि पर बैठ गई और उसी ने भ्रमित कराया और झूठ कहवाया शिव जी से। बाबा मैंने कछु न परीक्षा लेने को साई, कछु न परीक्षा लेने को साई, लेने प्रणाम तुम्हारे ना, कोई परीक्षा ली? मैंने कोई परीक्षण किया ही नहीं। बाबा मुस्कुराए, अंदर गए, भगवान से पूछा, प्रभु ये तो बताने से रही, आप ही बता दीजिए क्या लीला आपने इनके साथ की, कुछ बताइए। तब शंकर सब जाना, सची दुखी है चरित सब जाना, सची दुखी है चरित सब जाना, सची दुखी है चरित सब।
सब जाना। जो चरित्र माँ सती ने किया था बाबा सब जान गए, बड़े दुखी हुए, देवी आपने ये क्या किया, मेरी माँ का स्वरूप बनाया, अब यदि मैं इस शरीर से आपसे पति पत्नी रूपी कोई संबंध रखता हूं तो भक्ति का पथ नष्ट हो जाएगा, ऐसा जानकर ऐसा समझकर बाबा ने प्रतिज्ञा की, अब इस शरीर से सती के साथ पति पत्नी का कोई संबंध नहीं रहेगा, मेरी माँ का स्वरूप बनाया। आकाशवाणी ने प्रशंसा की बाबा शिव की, धन्य है आप, धन्य है भगवान शिव, आपके समान कौन राम भगत हो सकता। सती माँ पूछती, बाबा आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा कर ली, बाबा बताते नहीं। माँ सती सब समझ गई कि लगता है बाबा सब जाने। माँ सती को उदास देखकर भगवान शिव ने कुछ कथा कीर्तन को कहा है, कैलाश की ओर प्रस्थान किए बाबा। कैलाश जैसे ही बाबा पहुंचे, तहां पुनि शंभु समझ आपन पन बैठे बट तर करि कमलासन। कमलासन को लगाया है बट के वृक्ष के नीचे बाबा शिव ने, शंकर सहज स्वरूप संवारा, लाग समाधि अखंड अपारा। अपार समाधि लगाई और ये समाधि न एक वर्ष चली, न 10,000 वर्ष चली, न 50,000 वर्ष चली, ये समाधि पूरे पूरे 87,000 वर्षों तक चली। जब वो 87,000 वर्ष बीत गए, बाबा ने आज समाधि को खोला है, समाधि को खोलते ही राम 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 की ध्वनि पड़ी माँ सती के कानों में गई हैं। बाबा शिव को प्रणाम किया है और सन्मुख ही बाबा शिव ने आसन दिया। 87,000 वर्ष बाद बाबा जागे हैं, लेकिन सती माता से ये नहीं पूछा कि देवी ठीक हो, खाई थी कि पिए थी, अच्छे से रहा सब कुछ, क्या कोई दिक्कत तो नहीं, ये सब तो पूछा ही नहीं। भगवान की पावन कथा को कहने लगे। अब कथा को कहने लगे उसी समय कैलाश से देवताओं के यान गुजरने लगे। सती माँ एक गलती तो जीवन में कर ही चुकी थी, अब दूसरी गलती करने जा रहे हैं। हमारा दायित्व क्या, हमारा धर्म क्या, जब जीवन में एक गलती हो जाए, उसका बोध हो जाए, तो जीवन में वो गलती तो दोबारा नहीं होनी चाहिए। एक हो गई तो हो गई, उसके बारे में पता चल गया, फिर वही गलती, गलती पे गलती, गलती चली गई। सती माँ ने एक अपराध किया, उसका जो फल था वो तो प्राप्ति कर रही थी, अब दूसरा अपराध करने जा रही। बाबा शिव कथा कह रहे, कथा को रोक कर माँ ने पूछा, देव प्रभु ये बात, ये यान कहाँ जा रहे। शिव जी ने कहा, देवी आपके पिता प्रजापति दक्ष को ब्रह्मा जी ने सब प्रकार लायक जानकर प्रजापतियों का नायक बनाया, उसी के हर्ष में उल्लास में प्रजापति जी यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे।
ये सारे देव उसी अनुष्ठान में सम्मिलित होने जा रहे। सती माँ बोली कि बाबा हमको और आपको नहीं बुलाया क्या, हम आप नहीं चलेंगे क्या? शिव जी कहें देवी आपके पिता मुझसे कुछ बैर रखते मानते, इसी नाते मुझको नहीं बुलाया और आप मेरी अर्धांगनी हैं, इस नाते आपको नहीं बुलाया। शिव जी की बात सुनकर सती माँ बोली प्रभु बुलाना उलाना क्या, वो तो पिता का घर है, वहां क्या मैं वहां बलि पढ़ी पोसी गई फिर आपसे विवाह, अब वहां भी बुलाना ये सब तो ठीक नहीं। शिव जी कहें देवी कहा तो बहुत अच्छा, मेरे मन को भी अच्छा लगा, लेकिन क्या ये अनुचित व्यवहार नहीं कि न्योता नहीं भेजा गया? न्योता तो भेजा ही जा सकता था। फिर देवी पिता के घर गुरु के घर और मित्र के घर बिना बुलाए ही जाना चाहिए, परंतु इन तीनों में से कोई भी एक द्वेष भी माने तो कदापि नहीं जाना चाहिए। बाबा शिव समझा जरूर रहे हैं लेकिन ये मानने वाली 1% नहीं है, मानने वाली नहीं है। फिर कहा रे बाबा ये सब क्या, बहु देखा कर जतन हर रहिन दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरारी। मुख्य गणों को देखकर बाबा शिव ने विदा किया। पहुंची मां सती, भाइयों ने देखा मुंह तिरछा कर लिया, बहनों ने देखा आहा हा हा जोगी की जोगनी आ गई जोगनी। ध्यान रखो एक परिवार की दो पुत्रियां, एक पुत्री बड़े घर में ब्याही गई या विवाही, तो विवाह सामान्य घर पे हुआ, उसके भाग से प्रारब्ध से उसके पति देव किसी बड़े पोस्ट में या बिजनेस में अच्छा फायदा होने लगा, तरक्की कर गए, और एक बेटी सामान्य घर पे है, सामान्य ही जीवन है। तो वो दोनों बहनें जब अपने मायके आती हैं या एक दूसरे के घर जाती हैं तो तुलना करने लगती हैं। ये देख रही हो तुम्हारे जीजा जी ने बनवाया है हीरों का, 1 करोड़ रुपया लगा है, ओ अभी तुम्हारे उनने तुम्हारे पीतल का मंगलसूत्र बनाया, कोई बात नहीं तुम्हारा भी आ जाए, ये देख रही हो डायमंड है, डायमंड लगा है पूरा पूरा। ये आदत ठीक नहीं। यदि बड़ी बहन हो तो कहना चाहिए बेटी गुड़िया कोई बात नहीं, मेरे पास कहाँ था ये सब, लेकिन भाग्य से प्रभु की कृपा से मिलता गया, आप भी भगवान की सेवा करो, विश्वास मानो निश्चित तौर पर भी ये होगा मुझसे ज्यादा संपत्ति आपको मिलेगी। लेकिन बहनें ऐसा नहीं कहती, चिढ़ाती। सती माता की बहनों ने चिढ़ाया, आ गई जोगनी। दक्ष महाराज ने देखा पूरे शरीर में अग्नि फैल गई, ये आ गई इसके पीछे वो आ जाएगा। मां ने हृदय से लगाया पुत्री मेरी। सती मां को लगा गलत हो गया, मैंने बाबा की बात नहीं मानी, मान लेती तो ज्यादा बेहतर होता, अब क्या करूं। मां से कहा मां मैं यज्ञ मंडप की प्रदक्षिणा करूंगी, परिक्रमा करूंगी, दर्शन करूंगी, परीक्षण करूंगी। मां ने कहा बेटी आप
उस स्थल पर ना ही जाओ तो अच्छा है। अरे जब ये शिव के समझाने पे नहीं मानी तो अपनी माँ के समझाने में कहाँ से माने। कहा नहीं मां मैं जाऊंगी, गई है मां यज्ञ मंडप की चारों ओर नजर यज्ञ मंडप की उस क्षेत्र पर गई है मां की। सबके आसन सभी मुनि देव गण उपस्थित सबके भाग यज्ञ में पड़ रहे हैं लेकिन शिव का कोई स्थान नहीं कोई भाग नहीं। शिव जी के ऐसे अपमान को देखकर मां आज क्रोध में उपस्थित समस्त सभासदों को मुनियों को और यज्ञ के उपरोहित यजमान समस्त परिकरों को डपटते हुए बोल पड़े। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनिय जहाँ जहाँ सिमर जाता कातिय दासु जीव जो बसाई श्रवण मूति नत चलिए पराई महेश पुरारी जगत जनक सबके हितकारी सच सुप्र संभव यह सेही सजी हम तुरत दे अस कहि जोगी अग्नि तनुजारा अस कहि जोगी अग्नि तनुजारा अयहु सकल मकरा अयहु सकल सभा सदों आप में से जिनने शंकर जी की निंदा की या सुनी उसका फल आप अभी पाएंगे। पिताजी आप तो भली भांति पछताएंगे। जहां पर संत भगवान की श्री हरि की शिव की निंदा हो वहां पर ऐसी नीति बताई गई या तो उस व्यक्ति की जीभ काट दी जाए। अब जीभ काटने का मतलब ये नहीं कि चाकू और कैंची लिया खर्च कर दिया, ये नहीं। विद्वानों की भाषा में जीभ काटना माने उसके उस वाक्य को असत्य सिद्ध कर देना। यदि हम ये ना कर पाए तो कानों को बंद करके किसी और मार्ग पर चले जाए। ये शंकर जी जगत के जनक सबका हित करने वाले। पिताजी आप कितने मति के मंद निकले। शिव द्रोह किया शिव अपमान किया और देखो तो ये मेरा शरीर आपसे ही उत्पन्न। अरे जो शरीर शिव द्रोह करे शिव अपमान करे ऐसे शरीर को क्या रखना। मां विषाद में आई और दुखी होकर योगाग्नि में
अपने शरीर को जला दिया मेरी माँ। पूरा यज्ञ मंडप हाहाकार की ध्वनि से गूंज उठा। भगवान शंकर को पता चला है गणों के माध्यम से, वीरभद्र को भेजा है। वीरभद्र ने यज्ञ मंडप तहस नहस करके दक्ष महाराज के सिर को काट कर यज्ञ में पूर्णाहुति कर दी। फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के निवेदन पर भगवान शिव आए हैं, यज्ञ को अपनी अध्यक्षता पर संपन्न कराया है। दक्ष महाराज के गर्दन पर बकरे का सिर लगाया गया है। इस पुनीत इतिहास को जगत जानता है। जीवन में मेरी मां सती ने बहुत अपराध किए, लेकिन अब जब अंतिम समय आ गया, एक बहुत अच्छा काम मां सती कर गई। श्री हरि विष्णु सन्मुख खड़े थे, मेरी मां सती आज श्री हरि से बोल पड़ी है, सती मरत हरि जन्मांतर तक शिव जी के पद में प्रेम हो, वही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसा वर मांगा है। उसी वर के कारण हिमाचल राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्मी है मेरी माँ। बोलिए पार्वती मैया की जय। जब से हिमाचल में मेरी माँ का जन्म हुआ, हिमाचल की सुंदरता बढ़ गई। माँ मैना प्रसन्न, नारद जी को समाचार प्राप्त हुआ। नारद जी आए, महाराज ने चरण सरोज को पखारा, सुंदर आसन पर बैठारा और कन्या को लाकर चरणों में गिरा दिया। रख दे, कहा महाराज इसका नामकरण करिए। नारद जी ने कहा, राजन आपकी ये पुत्री जगत जननी है, इसके एक दो नाम नहीं अनेकों नाम है, उमा अंबिका भवानी। इसका जो अहिवात होगा वो सदा अचल होगा और इसके कारण ही इसके माता पिता यश को प्राप्त करेंगे। श्रेष्ठ कन्या है आपकी। नारद जी ने कहा, महाराज मैंने आपकी कन्या के कुछ गुण बताए, अब कुछ दोष सुन लीजिए। यद्यपि इसका अहिवात अचल अवश्य होगा, लेकिन जिससे इसका ब्याह होगा ना, वो निर्लज्ज होगा, कपाली होगा, दिगंबर होगा, अकामी होगा, शमशान की राख लपेटने वाला होगा, मान अपमान की चिंता नहीं करता वो, और
सबसे बड़ी बात उसके कोई माता पिता होंगे ही नहीं, बिना माँ बाप का होगा। अब आप बताइए ऐसे किसी वर से आप अपनी कन्या का ब्याह करेंगी, करेंगे? कोई कह दे ऐसा है, कोई करेगा? कदापि नहीं करेगा। कहा हिमाचल राजन मैना ने कोई उपाय? नारद जी ने कहा कोई उपाय नहीं, जो मेरे बाप ब्रह्मा ने मस्तक पर रख रखा है वो तो कभी मिटता ही नहीं, होता अवश्य है। बस समझ इतना लीजिए, मान इतना लीजिए, यदि आपकी कन्या का विवाह भगवान शिव से हो जाए तो लोग दोष को भी गुण कहेंगे। समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता, गंगा माँ को दोष नहीं लगता। उसमें किसी भी नाले का जल पड़ जाए गंगा जल हो जाता, मोची वहीं अपना चमड़ा धुलता। दुनिया भर के अपकर्म करने वाले अपकर्म करते, लेकिन जब भी आचमन करेंगे गंगा जल। अग्नि में कीट पतंगे भी जल जाते, अग्नि को दोष नहीं, समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं। जिस प्रकार अग्नि को दोष नहीं, सूर्य भगवान को दोष नहीं, गंगा माँ को दोष नहीं, ठीक उसी प्रकार समर्थवान व्यक्ति के जीवन में कोई दोष नहीं। उचित है इस कन्या का विवाह भगवान शिव के साथ हो, लोग दोष को गुण कहेंगे। पर इसके लिए आपकी कन्या को तप करना होगा। उपदेश करके नारद जी गए, मैना माँ हिमाचल राज मंत्रणा करने लगे। क्या कह दिया मुनि श्रेष्ठ ने? हिमाचल राज ने परितोष किया है, कहा जाइए पुत्री को समझाइए। जैसे ही माँ समझाने गई हैं, देखा पार्वती मैया पहले ही तपस्विनी के वेश पर। माँ को कहा, माँ आप चिंता ना करिए, कदापि चिंता करने का कोई भी लाभ नहीं है। आप प्रसन्न रहिए, मैंने सपना देखा था, एक ब्राह्मण सपने में आए, कहा नारद जी के वचन सिद्ध सत्य सिद्ध होंगे, आप तप करिए। माँ तप ही संसार का सब कुछ है, तप परमावश्यक। माँ को उपदेश करके मेरी माँ पार्वती तप के लिए गई हैं। इतना कठोर तप कहने में नहीं आता। 3000 वर्षों तक केवल वेल पत्री को सुखा सुखा कर माँ ने खाया है। अपर्णा माँ का नाम पड़ा है, बोलिए अपर्णा मैया की जय। कठोर तप को देख कर देववाणी हुई है, देवी आप जिसके लिए तप कर रही हैं वो अवश्य पूर्ण होगा। जब सप्तऋषि आपको मिलेंगे, हमारी वाणी को प्रमाण जानिएगा, आपके पिता आपको बुलाने आए, घर चले जाइएगा। यज्ञवल्क मुनि भरद्वाज जी से कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ मैंने अभी आपको माता सती का पावन चरित्र और पार्वती जी के जन्म की कथा सुनाई, अब शिव चरित्र भी सुनिए। जब से सती जी ने अपने शरीर को त्यागा है तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। कहीं घूमते फिरते मुनियों को ज्ञान उपदेश करते, कहीं कथा कीर्तन सत्संग करते। एक बार शिव जी के नेम व्रत को देखकर, भक्ति व्रत को देखकर राम जी प्रकट हुए। कहा शिव जी आपके समान कोई और इस व्रत को निर्वाह कर ही नहीं सकता था, आप बड़े धन्य हैं, बड़े सिद्ध हैं, साधक हैं। अब यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो शैलराज की पुत्री पार्वती से जाकर विवाह करिए। शिव जी कहे उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी बात को कैसे मिटा जा सकता, काटा जा सकता। फिर माता पिता और गुरु की वाणी में अपनी बुद्धि तो लगानी नहीं चाहिए, जो वो कहते करने में ही उसका फल श्रेष्ठ प्राप्त होता।
आपकी जो आज्ञा है उसको मैं सिरोधार्य करता हूँ, यही हमारा परम धर्म है। शिव जी ने बार बार रघुनाथ जी को प्रणाम किया है, रघुनाथ जी अदृश्य हुए। इधर सप्त ऋषि आए हैं, सप्त ऋषि को बुलाया है भगवान शिव ने, कहा जाइए सती पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लीजिए। सप्त ऋषि भगवान की आज्ञा को सिरोधार करके चल पड़े। माँ पार्वती को देखा मानो तपस्या ही मूर्तिमान होकर खड़ी हो, तपस्या। कहा देवी आप किस लिए इतना कठोर तप कर रही? माँ ने कहा मुनियों यदि आप मेरी बात को सुनेंगे तो हंसेंगे, मैं जल की दीवार खड़ी करना चाहती हूँ, मैं जन्म जन्मांतर तक शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। सुना कहे उस अकामिन लज्ज को, उस दिगंबरी को, किसके कहने पर आपने ये कृत्य किया? कहा मेरे गुरुदेव ने उपदेश किया। गुरुदेव कौन है आपके? नारद जी। कहे नारद के वचन मानने से आज तक किसी का कल्याण हुआ है क्या? दक्ष के 100 पुत्रों को वैराग्य का उपदेश कर दिया, आज तक अपने घर को नहीं देख पाए वो पुत्र। यदि आप हमारी बात माने तो आपके रूप के अनुरूप एक वर हमारे पास है, 4 भुजाएं हैं उनकी, क्षीर सागर में रहते नीला वर्ण है, श्री हरि नाम है, बड़े सुंदर। माँ ने कहा कितने भी सुंदर हों लेकिन मैं अपने गुरु की बात नहीं टाल सकती, आप क्या स्वयं शंकर भी आकर कहें तब भी नहीं। मेरी जन्म जन्मांतर तक की यही प्रतिज्ञा है कि यदि मैं पति को प्राप्त करूंगी तो शंकर ही मेरे पति होंगे, अन्यथा मैं कुंवारी रहूंगी। सप्त ऋषियों ने जय जयकार की है माँ की। सप्त ऋषि ने आकर प्रेम परीक्षा का संवाद शिवजी से सुनाया है। इधर कथा के क्रम में तारकासुर नामक असुर का जन्म हुआ, तप किया है, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया, शंकर के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न हो उससे हमारा वध हो। शंकर जी समाधि में चले गए। जगाए को समाधि से उत्पात कर रहा तारकासुर, देवताओं को त्रास मिली, देवता कामदेव को भेजे, कामदेव ने कई काम क्रिया की लेकिन भगवान शिव को जीत नहीं पाया। आम के पेड़ के ऊपर चढ़ा है, अम्र पल्लवों के झुरमुट से बाबा के हृदय को केंद्र बनाकर पंच बाण उतार कर संधान कर दिए। जब विषम बाण लगे हृदय में बैठे रघुनाथ जी को, शंकर जी ने आंख खोली, दाएं देखा, बाएं देखा, नीचे देखा, जैसे ऊपर देखा, अम्र के पल्लवों के झुरमुट में अवलोकन किया कामदेव का। एक पल को बाबा को क्रोध आया, तीसरा नेत्र खुला, कामदेव स्वाहा। कामदेव स्वाहा हुए, इधर देवताओं ने रति को भेजा, चरणों में गिर पड़ी, कहा प्रभु मेरे पति कहाँ गए? शिव जी ने कहा रति आज से तुम्हारा पति बिना शरीर के व्यापेगा, उसका नाम होगा अनंग। रति ने कहा लेकिन मुझे कब प्राप्त होगा? शिव ने कहा जब जदवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, धरती के भार को हरेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे, आपका नाम होगा मायावती। जाइए, भगवान शिव की बात सुनकर रति जी गई हैं। देवता अपने समूह के साथ शंकर जी के पास आए हैं, शंकर जी की प्रशंसा करने लगे हैं। गंगाधर भगवान की, शंकर भगवान की, महेश्वर भगवान की।
देवताओं ने प्रशंसा की है, इसलिए हम आप भी प्रशंसा कर लें। कैलाश के निवासी नमो बारे बारे हो, नमो बारे बारे हो, आए शरण तिहारी प्रभु थार थार तो, आए शरण तिहारी प्रभु थार थार तो, कैलाश के निवासी नमो बारे बारे हो, नमो बारे बारे हो, आए शरण तिहारी प्रभु थार थार तो, आए शरण तिहारी प्रभु थार थार तो। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दतार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दतार तू, आए शरण तिहारी प्रभु थार थार तू, आए शरण तिहारी प्रभु थार थार तू। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का, लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का, लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का, है गंगा धार मुक्ति द्वार ओंकार तू, है गंगा धार मुक्ति द्वार ओंकार तू, आए शरण तिहारी प्रभु थार थार तू, आए शरण तिहारी प्रभु थार थार तू। क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण है, क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण है, तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है, तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है, जहर पिया जीवन दिया कितना उतार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उतार तू, आए शरण तिहारी प्रभु थार थार तू, आए शरण तिहारी प्रभु थार थार तू। बिना नहीं लेक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं लेक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, कर दे फाट एक बार मुझको निहार तू, कर दे फाट एक बार मुझको निहार तू, आए शरण तिहारी प्रभु थार थार तू, आए शरण तिहारी प्रभु थार थार तू, कैलाश के निवासी नमो बारे बारे हो, नमो बारे बारे हो, आए शरण तिहारी प्रभु थार थार तू, 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 आए शरण तिहारी प्रभु थार थार तू। पृथक पृथक तिन कीन्हि प्रशंसा भये प्रसन्न चंद्र आवर्तन सा। सभी देवताओं ने पृथक पृथक प्रशंसा की। बाबा ने कहा अमर आपको कोई मार नहीं सकता, आप क्यों आए, क्या बात है, सबसे डरा बड़ा डर तो मौत का होता, आपको तो कोई मार ही नहीं सकता, किस हेतु से पधारे। ब्रह्मा जी ने कहा नाथ
सभी देवताओं के मन में ये विचार था कि क्यों ना आपका विवाह दर्शन कर लिया जाता। शिव जी कहे नहीं, विवाह करके देख चुके, हम नहीं करना। ब्रह्मा जी ने कहा तो वर तो श्री रघुनाथ जी को दे दिया, कहा दे दिया तो तैयारी करो। शिव जी ने कहा तैयारी करिए। शिव जी की बात सुनकर सभी देवता तैयारी करने लगे, सब अपने अपने यान का सजाने लगे, अपने अपने स्वरूप का सजाने लगे, देवांगनाएं नृत्य करने लगी, वाद्य यंत्र बजने लगे। अब देखिए शादी शिव जी की है, विवाह शिव जी का है, तैयार देवता हो रहे, बराती तैयार हो रहा है, दूल्हा की कोई चिंता ही नहीं कि जिसका ब्याह होना है। जब सांझ के 4 बज गया तो नंदी कहे कि अब कोई सजाएगा नहीं तो बाबा का ब्याह कैसे होगा। नंदी ने कहा बाबा आज आपका ब्याह है, क्यों ना कुछ आपका श्रृंगार कर दिया जाता। शिव जी कहे ठीक है, लेकिन श्रृंगार से हम दूर रहते। सब अपने अपने लोक में तैयारी कर रहे हैं। लगन पत्र का पहले बनाकर हिमाचल राज के यहाँ सप्त ऋषियों के द्वारा पहुंचाई गई है। काम दहन की कथा को भी सुनाया गया है। माता पार्वती ने कहा आपके लिए शिव जी ने आज काम को जलाया, मेरे लिए तो कब का जला था। वैशाख शुक्ल पंचमी दिन गुरुवार का दिन निश्चित हुआ विवाह के लिए। हिमाचल में तैयारी प्रारंभ, देवता तैयारी कर रहे, गण सोच रहे कि कैसे बाबा का श्रृंगार किया जाए। अब वहां पर कोई मॉल वॉल तो थे नहीं कि शेरवानी खरीद ली जाती, चेहरे में लगाने का खरीद लिया जाता, मेकअप का सामान खरीद लिया जाता, कुछ था ही नहीं। कैलाश में जो वस्तुएं उपलब्ध थीं, उसी से नंदी ने बाबा का श्रृंगार किया है। बड़ा ही मधुर श्रृंगार है, आप भी सुनिए। शिव ही शंभो गण करही श्रृंगार, कुंडल कंकन पहिरे
के समय जो जटाएं बिखर गईं, गणों ने संहारा, एक सर्प को पकड़कर मुकुट बनाया, सर्प के झुंड को पकड़कर सर्प से बांधा, मस्तक से चिपकाया, सर्प से बांध दिया, सर्प की मुंड हो गई मौर और पुच्छ सहरा हो गए दूल्हे महाराज के, कानों में और कुंडल, हाथों में कंगन और कानों के कुंडन, सर्प के कुल की कलकोटक कंबल अश्वतरु नामक सर्प, वासुकी महाराज की जनेऊ पहनाई है, तन पर विभूति लगाई है, जिस बाघंबर पर बाबा बैठे थे वही बाघंबर पहना दिया और सांप से बांध दिया, एक हाथ में त्रिशूल तीनों तापों को नष्ट करता, डमरू संताप को नष्ट करता, धर्म की सवारी बैल पर आरूढ़ होकर बाबा चले चले बसहां चढ़ी बाजई बात। इधर देवता चल रहे, श्री हरि ने देखा, अरे ऐसा सुंदर दूल्हा ऐसा तो देखा ही नहीं, दिक्पालों को बुलाया, देवताओं को बुलाया, बोले इधर आओ, दूल्हा का दर्शन कर लियो और इस दर्शन से ये समझ लियो कि अपने अपने समाज का अलग अलग लेके चलो, नहीं तो ऐसे दूल्हा का देख के कोई पानी तक नहीं पूछेगा, भोजन तो भूल ही जाओ। इतना सुनना सब दिक्पाल अलग अलग, भगवान शिव ने सुना, अरे श्री हरि आपके व्यंग्य वचन अभी तक झुंके तुम बराबर, सब अपने अपने समाज का लेके अलग अलग, बारात पूरी अलग, बाबा हम आप और भृंगी तीनों बचे, बोले बाकी बोले गए। तो शिव जी ने कहा अपने समाज का टेलीफोन करो, फेसबुक व्हाट्सएप करो। अच्छा आजकल एक बड़ा प्रचलन चला है, क्यों कोई न्योता भी होता है निमंत्रण तो व्हाट्सएप पे कर दिया जाता है, फेसबुक पे डाल दिया जाता है, उपस्थिति दर्ज करावे, 13 तक के कार्ड, 13वीं के कार्ड व्हाट्सएप पे। बाबा ने कहा बुलाओ भाई बुलाओ। अरे बाबा की बात सुनकर भृंगी ने टेरी है श्रृंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतना सुनना, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, कोरिया, तिब्बत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, फलाना स्थान, ठिकाना स्थान, वो जहां जहां बाबा के गण चुलेल, भूत, डाकनी, पिशाच और जो भी कैटेगरी के हों बाबा के, हमका तो नहीं पता है, सभी वो गण भैया शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, पद जल जस इस दिल लाए, शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, देह से शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय पुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हस्त पोष को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला, रिष्ट पोष को अति तन कीना, को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। नाना प्रकार के वाहन, नाना प्रकार के वेश, कोई ऊपर का कपड़ा नीचे पहने, नीचे का कपड़ा ऊपर पहने, किसी के मुख ही मुख, किसी के एक मुख नहीं, किसी की आंख ही आंख, किसी की एक आंख नहीं,
किसी का मुँह कुत्ते का, किसी का सियार का, देख यार है बतिया रहा है। हाँ तुम्ही से बात कर रहे हैं, अरे इधर देखो भैया तुम्ही को तो देख रहे हैं, देख यार बतिया यार। कोई दुबला, कोई पतला, कोई मोटा, कोई लंबा, कोई चपटा, कोई गोल, कोई मटोल, किसी का सियार का मुंह, कोई गधा, कोई कुत्ता। गांव में अगर गधा महाराज सांझ की बेला में बोला तो कहे मंगल, उनके साथ अगर स्वान महाराज बोलने लगे तो बोले महामंगल, और सियार बोलने लगे तो बोले बड़ा मंगल साहब, अब बचा नहीं सकता। लेकिन बाबा के इस विवाह महोत्सव पर चुप को नहीं, जिनके दांत युवान तो नाचते भी है, आए आए शादी में आज मेरे यार की शादी है, और जिनके दांत नहीं बहु आज हमारे लाल की शादी है, बहु नाचते हैं। सब गा रहे हैं चुप को नहीं है, बबम बबम बोलो जय शिव जय बम बम बोलो जय शिव जय शिव बम बम बोलो जय शिव जय शिव बम बम बोलो जय शिव जय शिव हर हर 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 बम बोलो जय शिव जय शिव बम 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 बम बोलो जय शिव जय शिव सब नाच रहे गा रहे। इधर श्री हरि ने जब इस समाज को देखा, जैसा दूल्हा वैसी बारात, बहुत अच्छा। बारात आगे चली, जब बारात आगे चली तो हिमाचल राज ने अगवानी के लिए कुछ वृद्धों को, कुछ बच्चे जो वो सामने हम बारात देखेंगे भेजा। अब वृद्धों के घुटने में दर्द था इसलिए वाहन से भेजा। अब बच्चे नाचते कूदते चले जा रहे हैं अगवान करने। जैसे ही बारात दिखी, ब्रह्मा जी को देखा, अरे लगता है दूल्हे के पापा जी हैं। अरे नहीं भाई, ब्रह्मा जी हैं, फूल माला पहनाओ, स्वागत स्वागत। श्री हरि को देखा, यही दूल्हा है क्या? नहीं नहीं भैया, श्री हरि हैं, इनका आम का जूस पिलाओ जरा जरा, इनका नारियल पानी पिलाओ, स्वागत सत्कार करो। देवराज इंद्र दिखे, ये दूल्हा? नहीं, देवराज इंद्र। एक एक करके देव समाज दिखता गया, लोग कहते वाह, जिसकी बारात इतनी सुंदर, वो दूल्हा कितना सुंदर। श्री हरि कहे, बस आई रहा है दूल्हा, इतना सुंदर है देख के भागते पड़ोगे, आई रहा है पीछे। देवताओं का समाज पूरा हुआ है, शिव जी का समाज आया है। शिव समाज जब देखन लागे तब बिडरी चले वाहन सब भागे। जैसे ही शिव जी का समाज देखा, जो वाहन आए थे सब भाग गए। बच्चे जो आए थे वो तो इतनी तेज भागे, इतनी तेज, अरे रा। मानस कहती, धरी धीरज तहां रहे सयाने, धीरज धर के नहीं रहे, आए थे वाहन से, घुटना में दर्द है, भाग सकते नहीं है, वाहन चला गया, अब करे का, धरी धीरज ही रहो भैया, कांपते जा रहे। आप माला पहनेंगे क्या? कांपते जा रहे। एक भूत कुलाटी खाता 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 पूरी बारात को पार करके वृद्ध के पास गया, कहा हो चाचा माला पहनाओ। अब उसकी आंखें नहीं थी, इनका देख के डर गई।
दूसरी चुड़ैल आई, मुंह तिरछा हाथ तिरछे, हमको पेप्सी पिलाओ, उनका बहुत आम का जूस पिलाई हो, कैसे पिलाए, डर रहे। इधर बालक जो भागे हैं, दौड़ते दौड़ते गए और सीधे बेड पे छलांग लगा दी। काम आई, बंद कर दो दरवाजा, जल्दी बंद करो। अरे क्या हुआ बेटा, बारात कैसी है? कहे बारात जमराज की सेना आई है, बारात तोड़ी है। अच्छा कैसी बारात? अब बच्चे भागते चले आ रहे हैं, सास ऊपर नीचे ऊपर नीचे, माँ को बता रहे, माँ कहीं काह कहीं जाए न पाता, कहीं काह कहीं जाए न पाता, जम धार की दाऊं बरियाता, कर धार की दाऊं बरियाता, पर राह बसह असवारा, पर राह बसह असवारा, ज्ञान कपाल विभूषण छारा, ज्ञान कपाल विभूषण छारा, ज्ञान कपाल विभूषण छारा, कपाल विभूषण छारा, ज्ञान कपाल विभूषण छारा, ज्ञान कपाल विभूषण छारा। माई बारात का वर्णन हम नहीं कर सकते। कहा दूल्हा कैसा है? कहे दूल्हा, दूल्हा पागल है माए। पागल कहे? कहे दुनिया के दूल्हा घोड़ी पे चढ़ के आते, रथ पे चढ़ के आते, ये बैल पर चढ़ के आया। अपावन वेश को रखे माए, बड़ी बड़ी भयंकर जटा उसकी, भूत प्रेत डाकनी चुड़ैल नाच रही उसके साथ। माँ हम सत्य कहते हैं, जो अब जिएगा वही इस बारात का देख पाएगा, हम तो भाई नहीं जाने से रहे, हमका जाना ही नहीं, हम तो बंद करो दरवाजा यहीं बैठेंगे। माँ ने पूछा कपड़ा क्या पहन के आया? कहा कपड़ा नंगा आया माँ। अब बाघम्बर तो पहनाया था, बाघम्बर होता है कड़ा, जैसे ही बाबा नंदी पर बैठे उतर के वहीं गिर गया, बाबा को कहा इतना यार। माँ ने परितोष किया है बालकों का। इधर बारात द्वाराचार के लिए द्वार पर आई, 15 मिनट लेफ्ट ओनली, 15 मिनट सौ अगवान, अब द्वाराचार होने वाला तो ब्याह हो ही जाएगा, अब कहा है। आई मैना माँ सुंदर आरती की थाल लगाकर सखियों के साथ जा रही द्वाराचार। शिव जी को जैसे ही देखा आए, अरे ब्याहन बैला के सवारी त्रिपुरारी आ गए, ब्याहन बैला के सवारी त्रिपुरारी आ गई, देख के पंडित थर थर कांपे, नाऊ महाराज घबराए, देख के पंडित थर थर कांपे, नाऊ महाराज घबराए, नौनिया भागी पट की थारी त्रिपुरारी आ गई, नौनिया भागे पट के हारी त्रिपुरारी आ गई, ब्याहन बैला के सवारी त्रिपुरारी आ गई। माँ ने आरती तो उतारना दूर, आरती की थाल गिर पड़ी और माँ ही गिर पड़ी। शिव जी ने नंदी से पूछा, नंदी ये बहन जी कौन? शिव जी कहे, बहन जी नहीं, सासू माँ, मदर इन लॉ।
सासू माँ, ये कौन माँ? कहें हमारी माँ की माँ तुहार सासू माँ। तो कहे कि भाई ये क्यों आई थी? कहें आपकी आरती उतारने आई थी महाराज। कहें आरती उतारने की जगह गिर कहे पड़ी हैं? नंदी कहे बाबा जब ऐसा बेस बनाओ के आएंगे तो अच्छे अच्छे गिर पड़ेंगे, ये कहाँ है, अच्छे अच्छे गिर के पड़ेंगे, पागल हो जाएंगे आप। माँ को उठाकर अंदर ले जाया गया, शिवजी को जनवा से ले जाया गया। माँ ने आज अपनी पुत्री पार्वती को गोद में लगा लिया, कहा पुत्री मैं तुझे लेकर पर्वत से कूद जाऊंगी, समुद्र में छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, लेकिन जीते जी इस बावले से तेरा ब्याह नहीं करूंगी। अरे जिस ब्रह्मा ने तुझे इतनी सुंदरता प्रदान की, उसी ब्रह्मा ने तेरे भाग्य से ये बावला वर कहाँ से रच दिया? जो वर जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो बबूल में कैसे फरेगा? अब विवाह में थोड़ा गड़बड़ हो जाए दूल्हा का कोई सिस्टम या बराती का, तो लोग पूछते को बताया है दूल्हा और ये परिवार, वहां भी सब माताएं कहने लगी को बताया को बताया। किसी ने कहा नारद जी ने बचाया है, नारद जी कारे मन, अरे नारद कर मैं का मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा, मेरे बसे बसाए घर को नष्ट कर दिया। लोग सच कहते वो दूसरों का अनहित करने में प्रसन्न रहता। अरे जिस स्त्री ने कभी भी पुत्र या पुत्री को जन्म न दिया वो संतान को जन्म देने की पीड़ा क्या जाने। नारद जी आए, माँ का परितोष किया, माँ कोई साधारण नहीं है तुम्हारी पुत्री, जगत जननी है, सदा सर्वदा शिव प्रिया है, शिव अर्धांगिनी है, कबड़ाओ नहीं। माँ को आनंद प्रदान किया है, बार बार चरणों में गिरती मैना माँ, बार बार। इधर शिव जी को संदेशा जनाया गया कि शिव जी पीताम्बर वस्त्र को धारण करके मंडप में प्रवेश करें। बाबा अब जनवासे से हिमाचल राज की नगरी, हिमाचल राज के महल की ओर चल पड़े। और जब वो बारात चली तो सखियों ने गाया, चलली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चलली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी कौरा की नगरी, हिमाचल नगरी कौरा की नगरी, चलली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चलली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। पूर्ववासी सब देखन आए कैसी है बारा, कौन बराती आई कैसी आई है जमा, कैसी दुल्हा की सुगतिया हिमाचल नगरी, कैसी दुल्हा की सुगतिया हिमाचल नगरी। छत पर चढ़ नर नारी निरखे कौन रंग का दुल्हा, छत पर चढ़ नर नारी निरखे कौन रंग का दुल्हा, कोई बिचारी घर में बैठी फूंक रही है चूल्हा, बांधे लकड़ी का झरिया हिमाचल
हद का छोटा कोई लंबा लंबा कोई बराती हद का छोटा कोई लंबा लंबा किसी के सिर में चार भुजा है पेट किसी का मोटा किसी किसी के चार भुजा है पेट किसी का मोटा चलते चलते द्वार पर पहुंची है। मुनियों ने अनुशासन प्राप्त किया है, अगवानी करके शिव जी को मंडप पर लाया गया है, आसन पर आरूढ़ कराया गया। स्वयं ब्रह्मा जी ने उस सिंहासन का निर्माण किया। मुनियों को देवताओं को अपने इष्ट को प्रणाम करके शिव जी आसन पर बैठे। मुनियों ने सारी विधि को प्रारंभ किया है। हिमाचल राज को आदेश प्राप्त हुआ है, कन्याओं को लेकर आइए। माँ मंडप में प्रवेश की है, तुनी सुंदर। सभी देवी देवता मन ही मन में प्रणाम करते हैं। बस दो मिनट, मन ही मन में प्रणाम करते हैं सभी। गणपति का पूजन हुआ है, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान। कोई सुनि संशय करे जन सुर अनाद जिए जान। देवता अनादि है ना इनका जन्म का पता ना अंत का, कोई संशय नहीं करेगा। जैसी विवाह की रुति श्रुति कीर्ति सब महा मुनि ने संपन्न कराई। हिमाचल राज मैना के हाथ पर कन्या का हाथ रखकर कुशा जल का संकल्प लेकर शिव जी को समर्पित किया। कन्या ज्ञान हुआ और बाबा ने पानी ग्रहण जब कीनी महेशा
आनंद है, वाद्य यंत्र बज रहे, देवता जय जयकार पुकारते, बहुत प्रकार की दहेज सामग्री दी है हिमाचल राज ने, भगवान शिव ने रखी नहीं, सब वहीं बांट दिया। माँ महिना ने कहा, नाथ यही मेरी पुत्री मेरे प्राण के समान प्रिया है, इसके सारे अपराध को क्षमा करिएगा, अपना प्रिया प्रिय जानिएगा, मानिएगा, कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा, और मैंने जो अपराध आपके प्रति किया उसको भी क्षमा करिएगा भगवान शिव। सास ससुर का परितोष किया है भगवान शिव ने, माताओं ने पुत्रियों को सीख दी है, पुत्री सदा सर्वदा शंकर जी के पद की सेवा करना, नारी के लिए और कोई धर्म नहीं, सब कहते पुत्रियों को बिछड़ना पड़ता, नारी को ब्रह्मा जी ने बनाया है, उपदेश किया है, पुत्री को हिमाचल राज ने विदा किया है, सभी देवता शिव जी के साथ कैलाश पधारे, शिव जी कैलाश पधारे, सब देवता अपने अपने लोक को गए, गृहस्थ जीवन का आनंद शिव जी लेते, आप जानते कर ही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बस ही कैलासा, इस चौपाई की व्याख्या महाकवि कालिदास ने की। कुष्ठ रोग हो गया महाकवि को, फिर रघुवंश की जब रचना की थी तब कुष्ठ रोग मिटा, अपने माता पिता अपने श्रेष्ठ के प्रिय क्षण का श्रृंगार का वर्णन कदापि किसी जीव को नहीं करना चाहिए। गृहस्थ जीवन का आनंद शिव जी लेते हैं, समय आने पर भगवान कार्तिक का जन्म हुआ है, कार्तिक भगवान ने तारकासुर का वध किया है, देवताओं के सेनापति नियुक्त हुए, दक्षिण प्रदेश में मुर्गुन स्वामी के नाम से कार्तिक भगवान जाने जाते, बोले कार्तिक भगवान की जय। इस कथा को पूर्ण करते याज्ञवल्क भरद्वाज जी से कहते, वो स्वामी जी ने जी मन से कहते, मैं आपसे कहता, कार्तिकेय भगवान के चरित्र को जगत जानता, इसलिए मैंने इस चरित्र को सूक्ष्मवत कहा, भगवान शिव और माता पार्वती के पावन विवाह की कथा को जो कहेगा सुनेगा उसके घर में मंगल होंगे, कल्याण होंगे। अच्छा एक चीज और, आप में से जब भी कोई कार्ड बनवाया करे विवाह का, इस दोहे को अवश्य लिख लिया करिए ऊपर, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहें जे गावई, इसको अवश्य लिखिए, लोग इंग्लिश में कार्ड लिखवाते, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावे, अवश्य लिखवाइए। अपने बेटी का विवाह करिए, अपनी किसी भी रिश्ते नाते में व्यवहार करिए, सबको बताइए, अवश्य लिखवाया। बाबा कहते हैं चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहीं पार, बरने तुलसीदास किमि अति माति मंद गवार। भगवान शिव का ये चरित्र समुद्र वत है, कोई कभी पार नहीं पा सकता, मति का मंद तुलसीदास क्या कहेगा जो गवार हैं, जब बाबा अपने आप का मति का मंद कहते गवार कहते तो हम तो उनके आगे बहुत एक कण के कण के कण के कण के कण के कण के कण भी नहीं। मैं आपको क्या कह के सुनाऊंगा, ग्रंथ के आश्रय पे सदगुरु की कृपा से जो जाना जो समझा जितना समय था उतने समय में आपको सुनाया। पहले दो मिनट भगवान नाम संकीर्तन गा लीजिए, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं।
राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, मेरे नयनों के तारे 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 हैं, सारे जग के रखवारे हैं, सारे जग के रखवारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे 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 हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं। सुनहु वीर हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा।